कृषि मंत्री सचिन यादव ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पूरे किए हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों के ऋण को माफ किया। जो जो वादे किए आप देखिए, जो सरकार जिन लोगों ने 15 साल तक मध्य प्रदेश में सरकार चलाई, जिन्होंने किसानों के नाम पर अनेकों बार राजनीतिक रोटियां सेकी, आज वो हमारी कांग्रेस की जो है मात्र 3 महीने की सरकार के ऊपर जो है सवालिया निशान उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं समझता हूं उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार इस तरफ नहीं बनता। आप इनका इतिहास लाकर के देख लिया आदरणीय साथियों, जब मैंने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम इन्होंने करा है, आप जब इनका इतिहास उठा के देखेंगे तो पटवा जी से लेकर के शिवराज सिंह चौहान की सरकार तक हर बार इन्होंने किसानों की कभी ऋण माफी की बात करके, कभी सुई से लेकर ट्रैक्टर तक की कर्जा माफी की बात कही गई, कभी 50,000 रुपए की कर्जा माफी की बात कही गई। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, निमाड़ क्षेत्र से, मैं स्वयं उस बात का गवाह हूँ, उस चश्मदीद गवाह हूँ, जहाँ पर इन्होंने किसानों की 50,000 की ऋण माफी की बात कही और सरकार बनाई, और लेकिन सरकार बनाने के बाद किसानों को जो वचन दिया था उस वचन को इन्होंने पूरा नहीं किया। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।